बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम। क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गया हूं YN बटर मोमोज एंड मैगी एंड पराठा कॉर्नर पर। तो यहां पर एक वेज मैगी ट्राई करेंगे और वहां पर पराठा बनाते हैं भाई लोग। और ये जो सेवा इनकी चलती है रात में चलती है, पूरी नाइट की सेवा है। और ये रहते हैं, ये लगाते हैं पैसिफिक मॉल के अपोजिट वाली रोड पे। तो चलिए आज कुछ बनवाते हैं और ट्राई करते हैं और टेस्ट करते हैं और बात करते हैं इनसे। भाई राम राम, क्या हाल है भाई? बढ़िया जी। कब से लगा रखी है दुकान? एक महीने हो गया जी। एक महीने हो गया भाई। क्या नाम है आपका? सुशील। क्या बना के खिलाने वाले हो आज? आज मैगी बना के खिलाने वाले हैं आपको, बटर मैगी। मैगी है और क्या क्या है? मोमोज है, आलू प्याज के पराठे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मेकिंग दिखाता हूँ। और रात में लगाते हो ना भाई? पूरी रात। कितने बजे से कितने बजे? रात को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक। 13 घंटे 11 घंटे की कितने घंटे की नौकरी कर ली भाई रात तक। चलो आप बनाओगे भैया मैगी? चलो आपका क्या नाम है भाई? दीपक नाम है इन भैया का। ये बनाने जा रहे हैं वेज मैगी। बटर कौन सा यूज करते हो भैया? अमूल का बटर है। अच्छा, सबसे पहले भैया ने बटर ले लिया है। मैगी तो आमतौर पे वैसी ही होती है, ये वो 2 मिनट वाली मैगी तो नहीं है ना जो 2 मिनट में तैयार हो जाए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ। जो भैया हैं जो रात में लगाते हैं, पूरी रात खाना बनाते हैं, मैगी पराठा और मोमोज। तो प्याज डाल दिया भैया ने, मिर्ची डाल दी है। ये टमाटर डाल दिया। पूरी मेकिंग देख लो कि ये रोड साइड मैगी किस तरीके से बनती है और कितनी कैसा टेस्ट आएगा वो तो हम बाद में टेस्ट करके बताऊंगा मैं आपको। ये कितने रुपए की मैगी देते हो भैया? 40 रुपए की बटर मैगी। अच्छा, तो ये पूरी मैगी डाल दी भैया ने। बिजनेस देखो यार कितना बढ़िया है, एक मैगी है और 40 रुपए की भैया बेचते हैं, थोड़ी सी वेजीज डाल के और बटर डाल के। मतलब 20 रुपए की लागत में 20 रुपए का फायदा तो होता होगा। 20 रुपए बचते होंगे भाई इसमें? 20 रुपए बचते होंगे? अच्छा, हाँ जी हाँ जी, 50 रुपए की है। कितने रुपए की बेचोगे बाद में? बाद में हमारी 50 रुपए की रहेगी बटर मैगी। तुम्हारे हिसाब से 20 रुपए बचता होगा, सब खर्चे वर्चे होंगे एक महीने? 20-15 रुपए तक। 15 रुपए नमक डाला है भैया ने और हल्दी डाली है। और हल्दी डालने के बाद भैया ने थोड़ी लाल मिर्च डाली है। और लाल मिर्च के बाद भैया ने थोड़ा गरम मसाला डाला है। और मैंने आपको 40 रुपए वाली बटर मोमोज मैगी की मेकिंग दिखा दी आपको। और ये भैया ने बाद में धनिया डाल दिया। ये तीखी तो नहीं करती होगी भाई आपने? टेस्ट करके बताऊंगा मैं आपको। मैगी तो हो गई रेडी, मोमोज तो 2 मिनट में निकाल दोगे भाई आप, है ना? और पराठे की तरफ चलते हैं, पराठा बड़ा बनाते हैं। तो अब यहाँ पे भैया ये कितने का होता है भैया? 40। ओ भाई साहब, इतना भर के भाई, ये तो एक में पेट भर जाएगा। ये आशीष भाई हैं, आशीष भाई बना रहे हैं हमारे पराठा। आपका तो हाथ बैठ रखा है बिल्कुल सही ढंग से, गोल बना है एकदम गोल। और आपने बर्तन भी नहीं लगाया दोबारा, क्या हुआ है भाई यार। तो ये देखो आप, बटर वाला पराठा 40 रुपए में हमारे आशीष भाई सेकते हुए बढ़िया से। किसके साथ सर्व करते हो भाई ये?
दही वही होती है, दही है, अचार है, चटनी है। अच्छा 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 भाई यार आपका हाथ तो बड़ा नपातुला है, कैसे कर लिया है ऐसे प्रैक्टिस से? और ये हमारा आलू प्याज का पराठा सेक के रेडी हो गया है, चलते हैं अब। हो गया ना भाई रेडी? अच्छा अभी तो इसमें बटर लगेगा अलग से भी, अभी मैं रेड सजा के दिखाता हूँ आपको कैसे भैया सजाते हैं इसे। तो ये भाई ने हमारा पराठा सेक के रेडी कर दिया, एकदम बड़ा पराठा है ये 40 रुपए में, और फिलिंग इतनी बढ़िया है इसकी। और ये हमारे क्या नाम है भाई आपका? सुशील। अब भाई इसमें अमूल बटर लगाएंगे, और ये अमूल बटर बढ़िया ढंग से लगा दिया भाई ने, और मैगी भी बन गई थी। और ये भैया दे रहे हैं, अरे वाह ये क्यूट से धोने में भैया ने पहले, देखो क्या बात है, ये दही दिए, थोड़ी सी दही, थोड़ी सी मिंट वाली चटनी, बहुत प्यारी थाली, पराठे की थाली सजा के दे रहे हैं भाई हमारे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और अचार भी है 40 रुपए में, इतना कुछ, क्या बात है। और ये पराठे वाली थाली भी रेडी हो गई है, और मैगी भी रेडी कर ली है, तो चलो दोस्तों टेस्ट कर लो। तो ये ले लिया हमने पराठे, और ये रही हमारी मैगी अच्छी सी। और इस भी इस दुकान की बात करने के लिए देखो वहाँ पे ओनर खड़ा है कार में, उनसे बात करनी पड़ी थी। अब नाइट शिफ्ट करते हैं भाई लोग हमारे, रात की सेवा है, अपोजिट पैसिफिक मॉल। और मैंने एक बड़ा सा आलू प्याज का पराठा लिया, जिसमें भैया ने क्यूट सी धोने में दही दी है, और ये है हमारी मिंट वाली चटनी, और ये भैया ने अचार दिया है, तो टेस्ट करता हूँ। और ये मैगी दी है भैया ने, तो टेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ये बटर वाला है पराठा दिया है भैया ने, सबसे पहले दही के साथ ही टेस्ट करता हूँ। काफ़ी बढ़िया टेस्ट है, और दही के साथ तो बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार अचार के साथ भी कर लेता हूँ, हरी चटनी में थोड़ी टेस्ट करता हूँ। भाई चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इधर दिखाओ दोस्त, इस वाली चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। किस चीज़ से बनती है भाई ये वाली? आशीष भाई मिंट पुदीना की है, धनिया की है। और ये रही हमारी मैगी दोस्तों, वेज मैगी, रात में लगाते हैं भैया 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। ओ मैगी बताता हूँ कैसी बनाई है भैया ने, भाई देखो ऐसा नहीं है कि जैसे लोग बाग जो दूर दूर से आते हैं, सामने ही रेलवे स्टेशन भी है और बस अड्डा भी है, तो ऐसा नहीं है कि दुकान ऐसी खोल रखी है कि टेस्ट नहीं दे रहे, जो बंदा आ रहा है उसके बाद चले जाएगा कहीं और ही चला जाएगा, तो टेस्ट का ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट का ध्यान बहुत अच्छे से दे रखे हैं भैया। और आमतौर में देखो मैगी कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत पसंद होती है, मैं उन्हीं में से हूँ, मेरे को मैगी बहुत ही अच्छी लगती है इसलिए मेरे को। और ये मैगी बहुत नपातुला हाथ है, बिल्कुल चटपटी मैगी है, तीखा बहुत नपातुला डाला हुआ है भैया ने, बहुत बढ़िया टेस्ट है। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और प्रणाम सभी को। तो ये रही दुकान, आप सब याद रखना, और वो है पैसिफिक मॉल, और 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यहाँ पे भैया लगाते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम सभी को।